हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू कुंड स्टडी आई एम मुजस्म अख्तर एंड टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू केमिस्ट्री एम सी क्यू सेशन फॉर जे के एस एस बी क्लास फोर जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे केमिस्ट्री uh, के हमने दो लेक्चर्स किए थे अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा एंड आफ्टर दैट इस वीडियो को वॉच करके आपको बहुत सारे जो आंसर्स करने आएंगे और इसमें थोड़ा कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किया है जो uh, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो वो भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है तो वो भी आप पढ़ लेने ठीक है तो वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज विच इज़ द रिसेंटली डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन सी वो स्टेट uh, है मैटर मैटर की कौन सी स्टेट है जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है ऑप्शन ए जो है आपके पास क्या है प्लाज्मा ऑप्शन बी है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ऑप्शन सी है सॉलिड एंड ऑप्शन डी है लिक्विड तो कौन सी स्टेट uh, जो है मैटर की वो रिसेंटली डिस्कवर हुई हमने पढ़ा था कि बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है वो रिसेंटली डिस्कवर हुई थी उससे पहले प्लाज्मा हुई थी ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर टू क्या है वो भी इसी के बेस पे है इसी टॉपिक के बेस पे है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन मैटर हैज़ हाउ मेनी स्टेट डैश स्टेट्स ठीक है तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं तीन होती हैं ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ये भी हमने पढ़ा हुआ है जिसको आंसर्स आते हैं वो आप कमेंट्स uh, में देते जाइए आंसर्स ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है विच इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वो कौन सा अकेला मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ऑप्शन ए कॉपर ऑप्शन बी जिंक ऑप्शन सी मर्करी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो कौन सा खाली मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे तो आपको सभी को पता होगा कि वो कौन सा है मरकरी क्वेश्चन नंबर फोर जो है ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ किस किस का एलॉय होता है ब्रास ठीक है तो कौन कौन सा मेटल कौन कौन से जो मेटल्स हैं वो ब्रास बनाते हैं कॉपर एंड जिंक कौन कौन से एलिमेंट्स बेसिकली मुझे मेटल्स यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ना मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स यहाँ पे इस तरह से नहीं है ये आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए टू आर मोर मेटल्स और दोज में भी नॉन मेटल्स ऑल्सो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स ठीक है दोनों को जब हम मिक्स मिक्स करते हैं उनका मिक्सचर बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास ऑप्शन सी एलॉय ठीक है जिस तरह से ब्रास यहाँ पे हमने पढ़ा ये किस किस का अलॉय है कॉपर एंड जिंक का एलॉय ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो किसका केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर लाइम स्टोन बेकिंग पाउडर या नन ऑफ दीज तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है केमिकल नेम है ठीक है केमिकल नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड uh, किसका केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है हमारे पास विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा है ऐसा एलिमेंट जो सबसे लाइटेस्ट है ठीक है जो सबसे लाइट एलिमेंट है इनमें से वो कौन सा है हाइड्रोजन हीलियम बोरान या कार्बन तो वो है पहला ही हाइड्रोजन ठीक है अभी नेक्स्ट क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अच्छा इनमें से कौन सा वो लॉ है जो ये डिफाइन करता है कि मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह किया जा सकता है ऑप्शन ए है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शन बी है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऑप्शन सी है लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास एंड ऑप्शन डी है लॉ ऑफ ऑसमोस तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है आप कमेंट्स में प्लीज़ बताएँ तो इसका जो आंसर है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर अब इससे पहले आपको क्या बताना था इससे पहले आपको बताना था कि लाइटेस्ट uh, एलिमेंट कौन सा है अभी आपको बताना है हैवियस्ट एलिमेंट कौन सा है ठीक है जिंक आयरन मैग्नीशियम या ऑस्मियम इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हैवियस्ट अगर आपको ये आता है तो आप कमेंट्स में बताएं प्लीज तो इसका आंसर जो है द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑस्मियम ऑस्मियम जो होता है दैट इज द दवियस्ट मेटल आउट ऑफ दिस गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज क्वेश्चन नंबर टेन कौन सी गैस यूज होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में uh, देखिए यहां पर दो होती हैं आर्गन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है लेकिन अगर आपको दोनों साथ में आए तो आप आर्गन कर लीजिएगा ठीक है तो आर्गन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज फाउंड इन सोलर सेल्स कौन सा एलिमेंट जो है वो सोलर सेल्स में पाया जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन डी हाइड्रोजन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑप्शन डी हीलियम तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर ट एटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाई होम एटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी थी ऑप्शन ए है एवोगेड्रो ऑप्शन बी डेल्टन ऑप्शन सी न्यूटन ऑप्शन डी पास्कल तो ऑप्शन बी जो है डेल्टन ने ये दी थी ठीक है किसने दी थी डेल्टन ने दी थी अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है हमारे पास अलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था तो जे जे थॉमसन मैंने आपको ये बहुत पहले पढ़ाया हुआ था इनका पूरा नाम जो है वो जोसेफ़ जॉन थॉमसन है इन्होंने ही जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था फ़र्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था ठीक है जोसेफ़ जॉन थॉमसन ठीक है तो यही इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्या है क्वांटम थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय ऑप्शन ए इज़ नील बोहर ऑप्शन बी इज अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन सी इज़ मैक्स प्लैंक एंड ऑप्शन डी इज़ मैक्स बॉन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो किसने दी थी मैक्स प्लैंक ने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज विच वन इज़ द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो कौन सी है तो वो है एटॉमिक नंबर ठीक है तो एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द न्य द न्यूक्लिया हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड देखो जिनमें सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं याद रखना डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोन्स ठीक है ना ही ये ना ही ये ना ही ये नहीं। और हम उनको क्या कहते हैं आइसोटोन्स क्या कहते हैं आइसोटोन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं ठीक है तो याद रखना आइसोटोन्स नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया था तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है रुदरफोर्ड ऑप्शन बी इज़ हेनरी बैकर ऑप्शन सी इज़ रॉन्गटन एंड ऑप्शन डी इज़ आइंस्टाइन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेनरी बेकरल हेनरी बेकरल ने सबसे पहले जो है रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था अभी नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है ऑप्शन ए इज एंगस्टॉम ऑप्शन बी इज कैंडेला ऑप्शन सी इज फर्मी एंड ऑप्शन डी इज क्यूरी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्यूरी ठीक है क्यूरी जो है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ओके नेक्स्ट इन एडिशन टू हाइड्रोजन अनदर एलिमेंट abundantly present on sun's surface is देखो हाइड्रोजन के अलावा जो बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है क्या वो हीलियम है नियॉन है आर्गन है या ऑक्सीजन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है हाइड्रोजन के अलावा भी एक अबंडेंटली प्रेजेंट होता है सन के सरफेस पे जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है तो वो कौन सा है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का जो आंसर है वो है हीलियम ऑप्शन ए हीलियम जो है ये सेकंड मोस्ट एलिमेंट है जो अबंडेंटली पाया जाता है सन के सरफेस पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारे पास ये है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा प्रेजेंट होता है रॉक्स एंड मिनरल्स में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन सिलिकॉन जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है रॉक्स और मिनरल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज टिन टन टाइटेनियम या टेंटेकुलम तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ टाइटेनियम टाइटेनियम इज़ द एलिमेंट दैट इज़ फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कार्बन डायमंड्स ग्रेफाइड टुगेदर आर कॉल्ड कार्बन डायमंडस और ग्रेफाइट जब साथ में मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं आइसोमर्स एलोट्रॉप आइसोटोप्स या नन इनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है द परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड इन पेंसिल्स इज जो लीड की परसेंटेज होती है पेंसिल्स में वो कितनी होती है तो देखिए ऑप्शन ए है ज़ीरो ऑप्शन बी है हंड्रेड ऑप्शन सी है सेवेंटी सेवन एंड ऑप्शन डी है सिक्सटी फाइव तो लीड जो पेंसिल्स में आजकल जो परसेंटेज uh, होती है वो कितनी होती है ज़ीरो परसेंट मतलब बिल्कुल भी लीड नहीं होती ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आर्गन तो इनमें बैलून्स में कौन सी गैस पाई जाती है वो है हीलियम ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर

सो इन में से जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन सा है सिल्वर uh, जो है ऑप्शन ए दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सिल्वर ठीक है सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल इनमें से सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है मतलब मैलेबिलिटी क्या होता है जिसमें हम वायर्स mm, में कन्वर्ट करते हैं ना मेटल्स को उनकी उसी प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं तो इनमें से कौन सा मोस्ट मेलेबल है सिल्वर गोल्ड सोडियम या नन तो गोल्ड जो है उसको हम सबसे ज़्यादा मतलब ये जो है मेलेबल है मतलब एक फैक्ट ऐसा भी है कि हम बहुत छोटे वन ग्राम जो मतलब होता है वन ग्राम ऑफ गोल्ड उसको हम बहुत लंबी एक तार बना सकते हैं वायर बना सकते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जो है स्वेट कंटेन्स वाटर एंड आपको पता ही होगा स्वेट में क्या होता है uh, पसीने में हमारे क्या होता है वाटर एंड सॉल्ट होता है क्या होता है वाटर एंड सॉल्ट वॉशिंग सोडा हैज़ द केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है ऑप्शन ए इज़ कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन बी इज़ कैल्शियम बाई ऑप्शन सी इज़ सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी इज़ सिल्वर क्लोलाइड क्लोराइड ऑप्शन सी जो है सोडियम कार्बोनेट दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सोडियम कार्बोनेट जो है वो ही वॉशिंग uh, सोडा का केमिकल नेम होता है ठीक है अच्छा नेचुरल रबर uh, ये ये चीज़ें हमने छोड़ दी थी थोड़ी सी नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर होता है आइसोप्रीन स्टर्लिन ब्यूटोडिन या नन इसका ऑप्शन ए जो है आइसोप्रीन दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट इज नाइलन इज मेड अप ऑफ पॉलीथलिन पॉलीप्रोपलिन ऑप्शन सी पॉलीमाइड एंड ऑप्शन डी पॉलिस्टर ठीक है तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है अगर आपको पता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है नाइलन जो है वो किसका बना होता है पॉली माइड का ठीक है पॉलीमाइड का बना होता है नाइलन ठीक है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इज़ व्हेन वाटर फ्रीज इट्स डेंसिटी मतलब जब वाटर फ्रीज होता है तो इसकी डेंसिटी में क्या चेंज आता है तो क्या चेंज आता है डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है या जीरो हो जाता है या फिर सेम रहता है तो ऑप्शन ए ये डिक्रीज़ हो जाता है ठीक है इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जब वाटर फ्रीज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर इज़ यहाँ पर एक गलती हो गई है वो मैंने डाला नहीं है डी टू ओ जो है इसका केमिकल नेम है यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है तो केमिकल नेम जो है हैवी वाटर का वो क्या होता है वो होता है डी टू ओ तो हाँ यहाँ पर ऑप्शन आपके पास नन है तो आप नन लिखेंगे ठीक है अगर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो डी टू ओ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस हैवी वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला uh, होता है वो है डी टू ओ बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ बॉक्साइट किसका ओर होता है मैंने आपको पढ़ाया भी है एलुमीनियम का ओर जो है वो बॉक्साइट होता है नेक्स्ट अभी हम थोड़ा तेज चलें वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बहुत सिंपल है तो लिक्विड को हम जब गैस में बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं इवेपोरेशन सब्लिमेशन डिस्टिलेशन या नन ऑफ दीज तो उसको हम क्या क्या कहते हैं इवेपोरेशन अच्छा कर्ड इज सॉर ड्यू टू कर्ड जो है आपको पता है कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है या सिट्रिक या फिर नाइट्रिक या फिर नन इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड सो ऑब्वियसली दिस विल बी द करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड तो कर्ड करोर ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट अच्छा द एसिड रिलीज व्हेन एन एंड बाइट्स इज जब एक चूटी काटती है तो उस टाइम पे क्या होता है एक एसिड रिलीज होता है ठीक है तो वो एसिड का नाम क्या है साइट्रिक सॉरी सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड फॉर्मिक या नन तो फॉर्मिक एसिड ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड जो है ये वाला एसिड रिलीज होता है उस टाइम पे जब एक चूंटी काटती है ठीक है वैन एन एंड बाइट्स फॉमिक एसिड गेट्स रिलीज ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इज़ गैस यूज इन फायर एक्सटिंगस वेरी सिंपल क्वेश्चन सो इसका आंसर आप खुद ही लिखें कमेंट्स में ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको कमेंट्स में कर मतलब कमेंट करके बताना है कि कौन सी गैस फायर एक्सटिंगशर्स में हम यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन थर्टी नाइन पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या नन तो पेट्रोलियम किस किस का मिक्सचर होता है ये सिंपली हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है ठीक है जो मतलब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से बनता है ये पेट्रोल ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर मैं आपको बताया था ना डी टू ओ जो है ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका हैवी uh, वाटर का तो आप देख लीजिए डिट्रियम ऑक्साइड डी टू ओ आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिट्रियम डिट्री ऑक्साइड जो है दिस विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स तो <coughs> क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन जो है ये भी uh, मैंने आपको शायद नहीं कराया था तो ऑप्शन ए है डिटर्जेंट्स ऑप्शन बी है सोप्स ऑप्शन सी है नाइलन ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिटर्जेंट्स आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स तो डिटर्जेंट्स विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोटी टू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोडियम और पोटेशियम ऑफ हाई फैटी एसिड्स तो वो सिंपली सोप होते हैं ठीक है ये आपको इतना आ, समझ आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री की कॉपर पायरेट किसका ओर है नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपर का ही ओर होगा तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर कॉपर पायरेट किसका ओर है कॉपर का क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर ओर ऑफ मर्करी इज़ रॉक सॉल्ट गैलेना सिनेबार या एंगस्टाइन तो सिनेबार जो होता है ना वो ओर होता है किसका मर्करी का नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग सैंड, शुगर वाइटरोल मैग्नीशिया, इनमें से कौन से का नाम है सिलिकॉन ऑक्साइड केमिकल नाम ठीक है कौन से का नाम है तो ऑप्शन ए सैंड का नाम जो है यही है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम सल्फेट फेरस सल्फेट या नन ऑफ दीज तो क्विक लाइम का जो केमिकल uh, नेम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम सल्फ़ेट फेरस सल्फेट या नन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम सल्फेट ठीक है कौन सा है कैल्शियम सल्फेट सॉरी इसका जो इसका जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है केमिकल नेम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या है वो है कैल्शियम ऑक्साइड अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग कैल्सिनेशन सब्लिमेशन या नन ऑफ दीज रोस्टिंग जो है रोस्टिंग किसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एयर ठीक है जब हम ओर्स को हवा में हीट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं रोस्टिंग अच्छा फोर्टी नाइन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी एच इन केमिस्ट्री फुल फॉर्म ऑफ पी एच इन केमिस्ट्री A power of hydrocarbons power of hydrogen power of mercury and none of these so you will have to answer this question in the comments and question number 50 electron has which charge wala bhi aap hi dana, Ye do questions, or the will questions so thank you so much for watching this video i will see you in the next video